नगर पंचायत पागवाड़ा के रहने वाले समीर खान ने गांधी जयंती के अवसर पर कोहिनूर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। उनकी इस उपलब्धि से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी मुरादाबाद इकाई ने उनकी आवाज़ पर जाकर उनको सम्मानित किया। समीर खान जी, आज आम आदमी पार्टी द्वारा जो आपको सम्मानित किया गया है, क्या परिस्थितियां रही, आपको किस प्रकार सूचना मिली और किस तरह से योजना आपको सम्मानित करने की बनी? देखिए, मेरा कोहिनूर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक इस बाइक स्टैंड पर मनाया, जो गांधी जयंती पर मैंने 3 किलोमीटर बाइक पर खड़े होकर गांधी जयंती मनाई थी, जिसमें कि गांधी जयंती अभी तक भारत में इस अंदाज में किसी ने नहीं मनाई, तो इसमें मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मीडिया के माध्यम से माननीय भाटिया जी को इसकी सूचना मिली और फिर उन्होंने मुझसे संपर्क किया, जिसके कारण ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसा कि अभी आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का जिक्र किया है, तो किस प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया? ये बाइक स्टंट्स में है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं कुछ ऐसे कारनामे जो दुनिया में या अपने भारत में कोई ना कर सके, जो फर्स्ट टाइम करता है उसका रिकॉर्ड बनता है। ये जो बाइक स्टंट की जो शौक था आपका, ये शौक आपने कब से आपके अंदर, ये जो आपने सीखा, कब से आपके विचार आया, कब से आपकी एक्टिविटी इसमें रुचि आई आपकी? मैं 2006 से स्पोर्ट्स में ही हूँ, और जब मैं यूट्यूब पर देखता था जो लाल किले पर BSF और आर्मी जो बाइक स्टंट्स करती है, तो मैंने सब यूट्यूब के माध्यम से ही सीखा और वहीं से मेरा ये विचार बना। अभी आपके जो बाइक स्टंट है उसके कितने रिकॉर्ड आपके नाम हो चुके हैं सारे? अभी ये बाइक स्टंट्स का मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड है और जल्दी ही जुलाई के अंदर ही एक रिकॉर्ड और मेरा भारत वर्ल्ड रिकॉर्ड आने वाला है। समीर खान जी, आगे की आपकी जो क्या प्लानिंग है, क्या रिकॉर्ड आप करने वाले हैं? आगे मेरी बहुत सारी प्लानिंग है, जैसे न्यू रिकॉर्ड्स बाइक स्टंट्स में या माउंटेनिंग में, जो मेरे अभी पीक्स बाकी बच रहे हैं। तो जैसे कि आपने मीडिया के आपके माध्यम से, आपके चैनल से, अखबार से पता चलता है कि आर्थिक स्थिति, क्योंकि मैं 10 से 12 साल मुझे स्पोर्ट्स में हो गए, तो जो मेरी आर्थिक स्थिति है वो अब इस लेवल की नहीं रही कि मैं अपने पास से खर्च करता रहूं। तो अगर जैसे आज मुझे सम्मान मिला है, ऐसी मुझे आर्थिक मदद पार्टी से मिलती रहेगी और आगे जो लोग मेरी मदद करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आगे और भी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाऊँगा। अभी आपने जो बाइक स्टंट वगैरह कर रहे हैं, इसको करने में आपकी क्या क्या समस्या आई और किन किन लोगों का आपको सहयोग मिला? सबसे पहले तो इसमें समस्या आती है कि जो हम बाइक डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें जो पेट्रोल का खर्चा होता है वो मतलब अपने जेब से खर्च करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, आलम भाई, सलमान भाई, सोनू भाई, ये सब सहयोग करते हैं, तो उसी के लेवल से मुझे मैं आगे ही कर पाता हूँ। क्या किसी जनप्रतिनिधि या किसी पॉलिटिशियंस या किसी सामाजिक संस्था द्वारा या किसी सामाजिक व्यक्ति द्वारा आपको कुछ आर्थिक योगदान दिया गया इस अपने आपकी प्रतिभा को उभारने के लिए? अभी तक किसी भी पार्टी से या किसी भी सामाजिक संस्था से किसी से मुझे कोई मदद नहीं मिली है। फर्स्ट टाइम, पहली बार ये आम आदमी पार्टी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से और भाटिया जी और राशिद सैफी जी निकल कर आए हैं मेरे सम्मान के लिए, और मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का, संजय भैया का, भाटिया जी का और राशिद सैफी जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आज आपके द्वारा जो सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया है, तो ये क्या कार्यक्रम हुआ है और आपने किन को सम्मानित किया है? सबसे पहले मैं चाहूँगा आप दर्शकों से परिचय करवाएँ। देखिए, हमारी मुरादाबाद की एक उभरती प्रतिभा है समीर खान, जो एक पर्वतारोही हैं, लगातार एक अपने स्टैंड के द्वारा लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं मुरादाबाद के लिए। अभी पिछले 2 अक्टूबर को इन्होंने मुरादाबाद में 3 किलोमीटर मोटरसाइकिल खड़े होकर चलाई, और जिसमें तिरंगा इनके हाथ में था, ये इनके लिए, हमारे पूरे मुरादाबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए हम लोग आज आम आदमी पार्टी इस उभरती प्रतिभा समीर खान का सम्मान करने आए हैं कि इन्होंने मुरादाबाद का नाम कोहिनूर वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराकर मुरादाबाद को गौरवान्वित किया है। इनको सम्मानित करने की योजना आपने कब बनाई? ऐसा है कि जो हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार उभरती हुई प्रतिभाओं के लिए काम करती है, और एक जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले ग्रेजुएशन सिर्फ पढ़ाई में मिलता था, एक हमारी पार्टी ने ग्रेजुएशन अब खेल के स्तर पर काम करने वाले, हॉकी में, फुटबॉल में, पर्वतारोही में इतने ग्रेजुएशन दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही औचित्य है कि हम जितनी भी उभरती प्रतिभा हैं भारत की, उनका सम्मान करें और उन्हें आगे लेने का काम करें।
आपकी पार्टी के माध्यम से समीर जी के लिए क्या आगे के योजना है, क्या इनकी मदद की जाएगी? देखिए, जो हम आज सम्मान कराया हमने समीर जी का, तो हमें शीर्ष नेतृत्व का ये आदेश था कि आप जो आपकी मुरादाबाद की उभरती प्रतिभा है समीर खान, आप इनका सम्मान करें, क्योंकि आपको अभी पता चल ही रहा है कि पूरे देश में वैश्विक महामारी चल रही है, जिसके कारण आवागमन रुका हुआ है, और जो हमारे शीर्ष नेता इनका खुद सम्मान करता है वो आ नहीं पाया है, मगर आने वाला टाइम है कि हम समीर जी को दिल्ली में सम्मानित करें। आपने जो ये सम्मानित इनको किया है, क्या पार्टी हाईकमान को इसकी जानकारी है, क्या उन्हीं के आदेश पर सम्मानित किया गया है? जी, उन्हीं का आदेश है। माननीय हमारे प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी हैं, उनके संज्ञान में ये बात थी, उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप समीर खान का सम्मान करें मुरादाबाद स्तर पर। आगे की जो प्रतिक्रिया होगी वो हम जल्दी बता देंगे। क्या संजय सिंह जी भी समीर जी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं? जी, जल्दी, ये जो दिल्ली के अंदर जो चल रही है अभी कोरोना महामारी के कारण, तो इसके अंतर्गत हम समीर जी से को नहीं मिला पाए अभी तक संजय भैया से, जल्दी ये जो क्या कहते हैं जो संबंध आ जाएगी, ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो हम जल्दी समीर खान को दिल्ली में संजय सिंह से मिलवाएंगे। इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, इनकी प्रतिभा को जनता तक पहुंचाने के लिए, क्या आपके द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा कोई इनकी आर्थिक रूप से मदद की जाएगी? जल्दी हम लोग इसमें एक काम करने वाले हैं, कई संगठनों से हमारी बात चल रही है, एक सेफी समाज संस्था है, उनसे हमने बात करी है, वो कह रहे हैं जल्दी हम कुछ करेंगे, और हम पार्टी स्तर पर भी कई जो सामाजिक संगठन हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से वो समीर के साथ आएँ और इनके उस उभरती प्रतिभा को आगे लेके जाएं।